गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 11, डूइंग वर्ड्स। चैप्टर 10 तक हम लोगों ने हाफ ईयरली में पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं? डूइंग मीन्स क्या होता है? करना, मतलब जो भी काम हम करते हैं। डू डू मीन्स करना, और वर्ड्स यानी शब्द, यानी जो काम हमने किया हमारे हुए डूइंग वर्ड्स। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको पढ़िए। आकांक्षा प्लेज विथ अ बॉल, आकांक्षा बॉल के साथ खेलती है। अब आकांक्षा क्या काम कर रही है? आकांक्षा बॉल के साथ खेल रही है ना, तो उसने क्या काम किया? खेलने का काम किया, प्लेज। समीर ईट्स फूड, समीर खाना खाता है। अब समीर क्या कर रहा है? समीर कौन सा काम कर रहा है? खाना खाने का काम कर रहा है ना, तो जो काम उसने किया वो क्या हुआ हमारा? डूइंग वर्ड्स। हियर वर्ड्स लाइक प्लेज एंड ईट्स टेल अस अबाउट द एक्शन परफॉर्म्ड बाय आकांक्षा एंड समीर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं प्लेज और खाना ईट्स, ये क्या बता रहे हैं? एक्शन परफॉर्म मतलब वो काम है जो आकांक्षा और समीर ने किया, यानी आकांक्षा और समीर ने जो काम किया। आकांक्षा ने क्या किया? खेलने का काम किया, और समीर ने क्या किया? खाने का काम किया। एंड दीज वर्ड्स आर वर्ब्स, और ये हमारे वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ब्स। जो डूइंग वर्ड्स होते हैं उन्हीं को वर्ब्स भी कहा जाता है। और वर्ब्स का क्या मतलब हुआ? वही जो हमने काम किया। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब सम एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स, यानी वो शब्द जो काम को बताते हैं कि हमने क्या काम किया। दैट डिस्क्राइब सम एक्शन मतलब हमारे द्वारा किया गया काम, जो कुछ भी हमने किया वो हमारे होते हैं वर्ब्स, और वर्ब्स को ही डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं। सम कॉमन वर्ब्स आर, यहाँ पे कुछ कॉमन वर्ब्स दिए हुए हैं। कुक, रीड, रन, प्ले। कुक, कुक मीन्स पकाना, तो देखो इसमें जो लेडी बनी हुई है वो क्या कर रही है? कुक, पका रही है ना, तो कौन सा काम कर रही है? खाना पकाने का काम कर रही है ना। नेक्स्ट में गर्ल, गर्ल क्या कर रही है? पढ़ रही है, भूख ली है, तो वो कौन सा काम कर रही है? पढ़ने का काम कर रही है, तो उसने जो काम किया वो क्या हुआ हमारा? वर्ब हुआ, रीड। नेक्स्ट में लड़का क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, रन। तो लड़के ने क्या काम किया? दौड़ने का काम किया। दूसरे उसके फोर्थ वाली पिक्चर में दो बच्चे खेल रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं वो लोग? खेल रहे हैं, तो प्ले। तो उसने क्या काम किया? खेलने का। तो ये कुक, रीड, रन, प्ले, ये सब हमारे क्या हुए? वर्ब्स हुए। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ईट, लाफ, डांस, राइट। अब देखो इस पिक्चर्स में क्या खा रही है? खाने का काम हुआ ना, मतलब जो भी काम उसने किया, हम जो भी काम करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, सोते हैं, लड़ते हैं, जो भी काम हम करते हैं वो होता है हमारा वर्ब्स या फिर डूइंग वर्ब्स। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, अब देखो वर्ब के फॉर्म होते हैं, मतलब जो काम हमने किया, जो भी काम हमने किया वो होते हैं हमारे वर्ब। अब वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, देखो क्योंकि क्या होता है, हम कुछ काम क्या होता है? अभी कर रहे हैं। कुछ काम क्या होता है? हम कर चुके होते हैं, है ना। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। अभी हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? 10 पढ़ा था। तो जब हमने चैप्टर 10 पढ़ा वो काम तो हो गया हमारा, आज हम चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं, तो जो हो गया बीत गया वो भी तो हमारा काम ही हुआ। इसलिए वर्ब्स की फॉर्म होती है। वर्ब टेल अस अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन ऑल्सो, ये जो हमारी वर्ब होती हैं, एक्शन होते हैं, ये टाइम भी बताते हैं, मतलब कि कोई काम किस समय किया गया, आज किया गया या कल किया गया था या आगे किया जाएगा, बताते हैं ना भाई। काम कुछ भी हमने किया उसका कोई ना कोई टाइम तो रहा होगा, किसी ना किसी समय तो हमने किया होगा। इट टेल्स अबाउट एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ एंड दोज दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड, ये क्या बताते हैं कि कोई काम कब किया गया। हैपनिंग नाउ यानी कोई काम अभी किया गया, एंड दोज दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड या फिर वो काम जो हम पहले ही कर चुके हैं, या तो हमने जो काम पहले कर डाला या तो हम कोई काम अभी कर रहे हैं। काम तो दोनों हुए ना, वर्ब तो दोनों हुई, लेकिन टाइम अलग अलग हुआ। भाई हमने पहले कर डाला उसका टाइम अलग था, अब कोई काम हम अभी कर रहे हैं उसका टाइम अलग है। Here we are going to read about two forms of verb. देखो verb की three forms होती हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे two forms पढ़ेंगे। अभी आप लोग छोटे हो, बहुत छोटे हो आप लोग, तो हम लोग अभी two forms पढ़ेंगे। जब आप senior classes में जाओगे तो आपको और मिलेंगी।
तीन फॉर्म मिलेंगे आपको, एंड सो टू फॉर्म्स आप पढ़ेंगे. नाउ, नाउ मीन्स क्या होता है? अब, यानी जो काम आप कर रहे हो तुरंत, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो. फॉर एक्शंस हैपनिंग नाउ, मतलब जो काम तुरंत हो रहा हो. बिफोर, बिफोर मीन्स फॉर एक्शंस ऑलरेडी हैपेंड, मतलब जो काम पहले हो चुका हो. अब अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और इससे पहले हमने क्या किया होगा, खाना खाया होगा या सोया होगा या कुछ भी काम किया होगा, तो वो तो बीत गया ना. या जैसे इससे पहले हमने 10 चैप्टर पढ़ाया, तो वो तो बीत गया, 10 चैप्टर पढ़ चुके. लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम 11 चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, काम तो हुआ लेकिन अलग अलग टाइम पे हुआ ना. नाउ बिफोर, देखो इसमें दो वर्ब्स लिखी हैं. नाउ मतलब जो हम काम प्रेजेंट टाइम पे करते हैं, और बिफोर मीन्स कि जो काम हमने पहले कर दिया है. तो देखिए वर्ब वही रहती हैं, वर्ब नहीं चेंज होती हैं. कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें ई डी लग जाता है, जब हम बिफोर यानी जो बीत गया, वो होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म. जो बीत गया होता है वो होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और जो चल रहा है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिसमें ई डी हम लोग ऐड कर देते हैं, या सिर्फ डी ही ऐड कर देते हैं, और हमारी वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म बन जाती है. ठीक, जैसे किक, अगर हम कोई काम अभी कर रहे हैं तो हम उसमें किक यूज करेंगे, और या फिर हमने को मार दिया. किक मीन्स क्या होता है, लात मारना या मारना. अगर हम अभी मार रहे हैं तो किक, लेकिन अगर हमने मार दिया था तो किक्ड. इसी तरह प्ले, प्लेड, ओपन, ओपेंड, टॉक, टॉक्ड, फिल, फिल्ड, लाफ, लाफ्ड, लुक, लुक्ड, हेल्प, हेल्प्ड, वॉश, वॉश्ड, कुक, कुक्ड, वॉक, वॉक्ड, एंड वर्क, वर्क्ड. तो इसमें नाउ प्रेजेंट एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, और बिफोर वाली वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई. लुक एट द टेबल गिवन बिलो एंड लर्न द यूज ऑफ वर्ब्स विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स. अब देखिए कहा गया कि इस टेबल को देखिए, पढ़िए, और वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म समझिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब जिसने जो काम, काम जो हमने काम किया वो तो वर्ब हो गई, लेकिन जिस इंसान ने वो काम किया वो होते हैं हमारे सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, वी टेक द वर्ब लाफ. अगर हम लेते हैं वर्ब लाफ, लाफ लाफ मीन्स क्या होता है, हंसना. भाई हमने क्या किया, हंसने का काम किया है ना. अब मान लो हमने किया, आपने किया, या आपकी मम्मी ने किया, आपके पापा ने किया, तो हम या आप या आपकी मम्मी या पापा या फ्रेंड, हम लोग क्या हुए, सब्जेक्ट हो गए. यानी जिसने वो काम किया, तो जिसने वो काम किया वो सब्जेक्ट हो गया, और हमने जो काम किया, जिसने किया वो सब्जेक्ट है, और जिसने वो काम किया वो सब्जेक्ट हुआ. जो काम हमने किया वो हमारा वर्ब हुआ. ठीक, जैसे आई लाफ, यू लाफ, दे या वी लाफ, राम लाफ्स. देखो एस लग गया, लाफ में एस लग गया. एस कब लगता है, जब सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला पर्सन सिंगुलर हो, एक हो. जैसे राम एक हुआ ना, तो वर्ब में क्या लग जाता है, एस या ई एस लग जाता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, वन होता है तो. और अगर दो लोग होते हैं या दो से ज्यादा लोग होते हैं तो वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है सिंगुलर के साथ. जैसे ही मीन्स क्या हुआ, वाह, सिंगुलर है ना, शी सिंगुलर है, इट ये सब सिंगुलर है ना, वन वन. तो जहां पे वन सब्जेक्ट होगा, एक पर्सन होगा, वहां पे वर्ब में एस या ई एस लग जाता है. ठीक, और अगर प्लूरल होता है, दो या दो से ज्यादा लोग, तो वहां पे वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता. ठीक, आते एक्सरसाइज वन में, इन सर्कल द एक्शन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब इसमें आपको क्या करना है, जो एक्शन वर्ड है, जो आपने काम किया है, उसमें आपको क्या करना है, सर्कल करना है. जैसे वी लिव इन अ लार्ज सिटी, हम एक बड़े शहर में रहते हैं, तो हम क्या काम कर रहे हैं, रहने का, रहते हैं, रहते, लिव, और वी है, वी हमारा प्लूरल, वी का मतलब हम लोग, यानी ढेर सारे हो गए ना, तो लिव हमारा रहना हो गया वर्ब, एक्शन वर्ड. माई फ्रेंड डांसेस वेरी वेल, मेरे फ्रेंड बहुत अच्छा डांस करते हैं, करता है, एक फ्रेंड है, तो मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा डांस करता है या करती है, तो मेरा फ्रेंड क्या क्या करती है, डांस करती है ना, उसने क्या काम किया, डांस. तो डांसेस हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया है ना, एक्शन वर्ड. सो दिस इज योर होमवर्क,
एक्सरसाइज वन इज होमवर्क। जितने भी एक्शन वर्ड है उसमें आपको सर्कल करना है। आते एक्सरसाइज टू पे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुइटेबल वर्ब्स, टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स गिवन विद ईच ब्लैंक। ये भी बहुत ईजी है। पिक्चर्स बनी हुई हैं, पिक्चर्स में आप देख रहे हो कि कौन इंसान क्या काम कर रहा है, पिक्चर में बने हुए वो कौन क्या काम कर रहा है दिख रहा है ना। ऊपर कुछ वर्ब्स लिखें जैसे राइट्स, प्ले, ईट, रन, स्लीप, सिंग्स, वियर, पेंट्स, लव, ड्रिंक, इसको आपको इसमें फिल करना है। ठीक, पिक्चर को देख के आपको समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा है। जैसे टाइगर, टाइगर क्या कर रहा है, दौड़ रहा है ना, तो टाइगर रन्स वेरी फास्ट। थर्ड नंबर, मोहन एट 10 PM डेली। अब मोहन क्या कर रहा है पिक्चर में, क्या बना हुआ है, सो रहा है ना, तो कब सोता है, 10 बजे सोता है, तो स्लीप्स, स्लीप मीन सोना, मोहन स्लीप्स एट 10 PM डेली। फोर्थ नंबर पे क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं ना, तो दे है। अब दे, अब यहाँ पे बच्चे क्या है, ढेर सारे हैं ना, ये लोग क्या है, ढेर सारे हैं, 3 लोग हैं, प्लूरल है ना, तो दे प्ले विथ अ बॉल इन द पार्क। अगर एक बच्चा होता यहाँ पे ही लिखा होता तो प्ले के साथ क्या लग जाता है, एस लग जाता, प्लेज। 5 नंबर, चंद्रा डैश सॉन्ग्स इन फंक्शन। चंद्रा फंक्शन में क्या कर रही है, सॉन्ग गा रही है ना, तो सिंग, सिंग मीन्स गाना, सिंग्स, क्योंकि चंद्रा क्या है, सिंगुलर है ना, इसलिए सिंग। वी शुड डैश नीट क्लोथ्स, हमें नीट नीट क्लोथ्स क्या, सफ़ेद साफ कपड़े क्या पहनने चाहिए ना, तो वी शुड वियर नीट क्लोथ्स। 7 नंबर, वी शुड डैश हेल्दी फूड्स ऑलवेज, तो हमें हेल्दी फूड क्या करना चाहिए, खाना चाहिए, तो वी शुड ईट हेल्दी फूड्स डेली ऑलवेज। 8 नंबर, स्मृति डैश ब्यूटीफुल पेंटिंग। स्मृति क्या कर रही है, पेंटिंग बना रही है ना, पेंट कर रही, कलर कर रही है ना, तो स्मृति पेंट्स ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। 9 नंबर, सान्या डैश लाउडली ऑन द जोक। सान्या कर रही है, जोक पे क्या कर रही है, हंस रही है ना, लाफ्स, इसे पढ़े ना, लाफ, तो लाफ हो जाएगा। 10 नंबर, ऑलवेज डैश क्लीन वाटर। वाटर क्या किया जाता, पिया जाता है ना, तो ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर। एक्सरसाइज 3, राइट बिफोर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। बिफोर फॉर्म यानी कि जो बीत गया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ई डी वाली, ठीक, ई डी लगाओ या सिर्फ डी लगाओ, जैसे फॉलो फॉलोड, एक्ट एक्टेड, ई डी लग जाए, क्लोज क्लोज्ड, अब इसमें ऑलरेडी ई है तो डी नहीं, ई नहीं लगेगा, क्लोज्ड हो जाएगा, डी लग जाएगा, वॉश, ई डी लग जाएगा, वॉश्ड, क्लीन क्लीन्ड, ब्रश ब्रश्ड, यूज यूज्ड, एंड वॉच वॉच्ड, ई डी लग गया ना, तो इसमें डी है, ई डी लगाने से आपका वर्ब बिफोर फॉर्म बन जाएगा। एक्सरसाइज 4 में आते हैं, राइट 5 एक्शन वर्ड्स एंड फ्रेम 1 सेंटेंस फ्रॉम ईच ऑफ इट। इसमें आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 लिखा ना, 5 एक्शन वर्ड्स लिखने हैं, डूइंग वर्ड्स, ठीक, उन वन जहाँ नंबर लिखा वहाँ पे आपको वो एक्शन वर्ड लिखना है, प्ले, ईट, रन, स्लीप, लाफ, क्राई, लर्न, आप कुछ भी लिख सकते हो, और उसमें आपको सेंटेंस बनाना है। सो दिस इज योर होमवर्क, और आप अपना सेंटेंस बनाओगे। बुक के सेंटेंसेस आप नहीं लिखोगे, आप अपने से सेंटेंस फ्रेम करोगे और अपनी एक्शन वर्ड लिखोगे, बहुत सारे एक्शन वर्ड होते हैं, आप इसमें से एक्शन वर्ड आप इसमें से देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, एक्शन वर्ड आप इसमें देख सकते हो, लेकिन सेंटेंस आपके खुद के होने चाहिए, ठीक।